राम राम सही भाई, देखो क्या है भाई, आप सबके उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाई। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग हुंडई क्रेटा या फिर किया सेल्टोस में कंफ्यूज हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हुंडई क्रेटा बेस वेरियंट ई या फिर किया सेल्टोस एसटीई, इन दोनों से कौन सा वेरियंट आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज्यादा बढ़िया होने वाला है, आज हम इसके फीचर्स प्राइस सब कुछ कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाइयों अब हम बात करेंगे कि यह सेल्टोस या फिर हुंडई क्रेटा कौन सी दोनों से ऐसी कार है जो कम प्राइस में ज़्यादा फीचर दे रही है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किया सेल्टोस की, जो कि हाल ही में अभी गाड़ी का अपडेट हुआ है, जो कि किया वालों ने बस किया के लोगों के सिवाय किया सेल्टोस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। दोस्तों हालांकि इसके टॉप मॉडल में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके एसटीई बेस जो इसका वेरिएंट है उसमें आपको कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, किया वालों ने फीचर्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जो फीचर किया सेल्टोस के पहले आते थे वही दोस्तों अब आपको मिलते हैं। प्राइस हालांकि थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। किया सेल्टोस के बेस वेरिएंट में दोस्तों आपको एक तो सबसे पहला फीचर आपको मिलता है, इसमें आपको मिलते हैं फोर डिस्क ब्रेक, चारों डिस्क ब्रेक मिलती है। बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरा दोस्तों किया सेल्टोस में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि इसके बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आपको महसूस नहीं करेंगे कि आप बेस मॉडल में बैठे हो। किया सेल्टोस में आपको टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता, आपको बटन वाला सिस्टम मिलता है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जरूर। इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं, सनग्लास होल्डर, लाइट, बाकी तो दोस्तों नेसेसिटी के सारे फीचर्स किया वाले ने किया सेल्टोस में दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें हुंडई क्रेटा की, तो क्रेटा में दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, जो इसमें आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, जबकि वहीं किया में आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स क्रेटा में नहीं मिलते, जबकि किया सेल्टोस में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। तीसरा दोस्तों इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का जब आप सेंटर कंसोल वाला पैनल देखेंगे ना, तो बिल्कुल आपको खाली खाली रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप बेस मॉडल में ही बैठे हैं। लेकिन जबकि आप किया सेल्टोस में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम किया वाले ने कंपनी का लगा के दिया है, और साथ ही साथ स्पीकर्स भी इसमें आपको मिलने वाले हैं किया सेल्टोस में। जबकि हुंडई क्रेटा में ना तो आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ना ही आपको स्पीकर्स मिलेंगे, तो गाड़ी बिल्कुल ही खाली मिलेगी दोस्तों आपको। और आप सबको तो पता ही है हुंडई क्रेटा उसमें आपको ना तो सनग्लास होल्डर मिलता है, ना ही आपको आगे लाइट्स मिलती है, बस आपको पीछे आपको लाइट्स मिलेगी जो कि हुंडई क्रेटा में है। तो आपको जो क्रेटा का बेस मॉडल है वो आपको बिल्कुल फीका फीका लगने वाला है दोस्तों, बजाय कि अगर हम किया सेल्टोस की बात करें। दोस्तों फीचर्स के मामले में तो किया सेल्टोस कहीं गुना ज़्यादा आगे है हुंडई क्रेटा से। हालांकि जो हुंडई क्रेटा थी उसमें बहुत सारे फीचर हटा दिए गए, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। तो अब जो आज के टाइम में 2021 में वैल्यू फॉर मनी दोस्तों फीचर्स के मामले में किया सेल्टोस रहने वाली है। अगर हम बात करें उनकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों किया सेल्टोस बेस वेरिएंट डीजल का जो प्राइस है 10,45,000 है, जो कि इसकी एक्चुअल होने वाली है। और हुंडई क्रेटा बेस वेरिएंट ई डीजल की प्राइस 10,51,000 है, जो कि हुंडई क्रेटा का प्राइस किया सेल्टोस से ज्यादा है। किया सेल्टोस सस्ती होने के बाद भी उसमें आपको ज्यादा फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी तो किया सेल्टोस बेस वेरिएंट है एसटीई डीजल, जो कि दोस्तों रहने वाला आज के टाइम में, क्योंकि हुंडई वाले ने बहुत सारे फीचर्स कम कर दिया गया है हुंडई क्रेटा की वजह से। वैल्यू फॉर मनी डीजल में तो किया सेल्टोस ही दोस्तों रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि पेट्रोल वाले वेरिएंट की, पेट्रोल में भी दोस्तों किया सेल्टोस हुंडई क्रेटा से 5,000 सस्ती है। किया सेल्टोस का पेट्रोल में प्राइस 9.95 लाख है, वही हुंडई क्रेटा का पेट्रोल में प्राइस 9.99 लाख है। और फीचर्स के मामले में दोस्तों किया सेल्टोस कहीं गुना ज़्यादा आगे है हुंडई क्रेटा से। हुंडई क्रेटा एक तो प्राइस में भी ज़्यादा है, दूसरा उसमें गाड़ी में फीचर्स भी कम है। और दोस्तों आप सबको पता ही है हुंडई क्रेटा की वेटिंग कितनी लंबी लंबी चलती है, 7 से 8 महीने की वेटिंग, कहीं कहीं शोरूम वाले तो इसे 1-1 साल की वेटिंग भी बता रहे हैं। वो किया सेल्टोस वहीं आपको 2 से 3 महीने में आराम से कहीं पर भी मिल जाएंगे दोस्तों, और हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाए। आज की मैंने वीडियो की वैल्यू फॉर मनी कार दोस्तों हुंडई क्रेटा किया सेल्टोस में से किया सेल्टोस है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और प्राइस भी कम मिलता है। सस्ती होने के बावजूद भी उसमें आपको दोस्तों ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलती है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, सनग्लास होल्डर मिलता है, लाइट्स मिलती हैं, सब कुछ इस गाड़ी में आपको नेसेसिटी का दे रखा है। तो हुंडई क्रेटा के जो ई डीजल और पेट्रोल के जो आपके फीचर्स हैं वो दोनों में सेम रखे गए हैं, एक भी फीचर क्रेटा पेट्रोल में ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको क्रेटा डीजल के बजाय, दोनों में फीचर्स आपको सेम रखे गए हैं बेस वेरिएंट में। किया सेल्टोस में दोस्तों आपको ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा, जबकि इसके टॉप मॉडल में आपको डुअल टोन कलर का इंटीरियर मिलता है। हुंडई क्रेटा की बात करते हैं, हुंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट से ही आपको दोस्तों डुअल टोन कलर का इंटीरियर मिलता है, जो कि आपको बेस वेरिएंट और टॉप मॉडल में भी आपको इंटीरियर डुअल टोन कलर का ही रहने वाला है। ये एक हुंडई क्रेटा के लिए एडवांटेज है। बाकी अगर हम इसके
Hyundai Creta के कलर की बात करें ना, तो Hyundai Creta के बेस वेरिएंट से ही आपको सारे कलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जबकि जो Kia Seltos है उसके बेस वेरिएंट में आपको दोस्तों दो ही कलर मिलते हैं, एक तो उसमें आपको व्हाइट और दूसरा आपको ग्रेइश कलर का कलर मिलेगा। ये दो कलर आपको बेस वेरिएंट में ही मिलेंगे, खाली बेस वेरिएंट से ऊपर जाएंगे तो ही आपको दोस्तों कलर के अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक वाली बात आ जाती है, Hyundai Creta के बेस वेरिएंट में आपको बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन है, जबकि Kia Seltos के बेस वेरिएंट में आपको खाली दो कलर ही मिलने वाले हैं, एक तो व्हाइट और दूसरा आपको ग्रे कलर। बाकी दोस्तों गाड़ी बहुत शानदार है Kia Seltos, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बेस्ट वैल्यू फॉर मनी Kia Seltos रहने वाली है, क्योंकि उसका प्राइस भी Hyundai Creta से कम है और दूसरा उस गाड़ी में आपको फीचर्स भी मिलते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं मैं कि जो Hyundai Creta है वो Kia Seltos से ना थोड़ी सी ना गाड़ी छोटी है। अगर आप Kia Seltos या Creta लेने की सोच रहे हैं तो आप आंख बंद करके Kia Seltos की तरफ जा सकते हैं, बहुत शानदार गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी कार है दोस्तों SGE डीजल में। दोस्तों अच्छी लगी हो आपको वीडियो अगर तो प्लीज़ यार एक लाइक करना यार, शेयर करना, ताकि जो लोग Creta या Seltos लेने की सोच रहे हैं और जो इन दोनों में कन्फ्यूज़ है तो उनके पास ये वीडियो जरूर जाए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो अभी जाकर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपके कोई भी सवाल हो वहाँ मुझे आप DM कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।